एवरीवन, मैं हूं रितु मर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो वीडियो है, यानी कि आज का जो वीडियो है, वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है और आज इस वीडियो को देख के मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना अगर और ज़्यादा वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू सो मच। ये जो टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक के साथ बहुत लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। सुनने से पहले ही बहुत लोग मुझे गालियाँ दे सकते हैं क्योंकि रितु ऐसे टॉपिक पर वीडियो बना रही है या फिर रितु क्या सोच रही है। ऐसा होता है, कभी होता है, तभी इस पर मैं वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक सुनना। आज का जो टॉपिक है वो इंसेस्ट के बारे में है। ये इंसेस्ट है क्या? मैंने भी जब इसके बारे में पहली बार सुना था ना, तो मुझे भी बहुत हैरानी हुई कि ऐसा होता है। पर जब मैंने इस पर डिटेल्स में काम करना शुरू किया और जब आप आंखें खुली रखते हो ना, जब आप न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करते हो, जब आप पॉडकास्ट चैनल को फॉलो करते हो ना, तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़ के, ऐसे बहुत सारे गॉसिप के भरमार आपको देखने को मिल जाते हैं। इस वर्ड का मतलब यही होता है कि कोई बंदा या फिर कोई बंदी बहुत ज़्यादा क्लोज पर्सन के साथ, चाहे वो उनका अपना फैमिली मेम्बर क्यों ना हो, उनके अपने माँ बाप क्यों ना हो, अपने भाई बहन क्यों ना हो, कज़न क्यों ना हो, काका काकी, मामा दादी, भैया भाभी, अपने रिश्तेदार, अपने बहुत परो, मतलब कि बहुत क्लोज, जिनके साथ खून का भी रिश्ता है, उनके साथ इंटीमेट रिलेशन बनाने के बारे में सोचते हैं या फिर बनाते हैं, उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे लोगों को हम इंसेस्ट कहते हैं। और ये ऐसे ही बंदों को या फिर बंदियों को चुनते हैं जो बहुत ज़्यादा इनकी क्लोज भी हो और अवेलेबल भी हो। ये जो फैंटेसी होती है, जो इंसेस्ट फैंटेसी होती है ना, ये ज़्यादातर लड़कों में देखा जाता है क्योंकि लड़कियों में ऐसा नहीं होता। मैं नहीं बताऊंगी, लड़कियां तो दूध की धुली है नहीं, लड़कियों में भी ये पाया जाता है बट लड़कों के मुकाबले बहुत कम। क्योंकि लड़कियों में एक चीज़ होती है ना, वो उसे कहते हैं हम मर्यादा। लड़कियां हमेशा मर्यादा में रहती है, मतलब कि हमारा समाज भी कह लो, हमारी परवरिश कह लो, एक बाउंडेशन कह लो, हर चीज़ के लिए ना लड़कियाँ, लड़कियों की सोच भी, कुछ भी, उनकी फीलिंग्स, हर चीज़ें मर्यादा में रहती हैं। तो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत है और उनका दिमाग के कीड़े जो है ना वो अपनी जगह अगर वापस आते हैं ना, तो उस चीज़ से पीछे हो जाते हैं। बट लड़कों को हमेशा से ही थोड़ी छूट दी जाती है कि नहीं, लड़का है, गलती हो गया, मतलब कि लड़का है तो लड़के ऐसा कर ही सकते हैं, माफ़ कर दो, लड़के कर ही सकते हैं। इसीलिए लड़के इस चीज़ में ज़्यादा आगे हैं लड़कियों के मुकाबले। ऐसे जो फैंटेसी रखने वाले इंसान होते हैं ना, वो मतलब कि अपने ही बहुत ज़्यादा क्लोज पर्सन, चाहे वो अपनी माँ ही क्यों ना हो या फिर अपने भाई, अपना ही बहन, अपना ही कोई रिश्तेदार क्लोज, उनका कज़िन भी हो सकता है, उनकी भाभी भी हो सकती है, उनका भैया भी हो सकता है, बड़े भैया, छोटे भैया, काका काकी, मामा मामी, कोई भी हो सकती है, जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ इंटीमेट रिलेशन बनाते हैं, उनके साथ क्लोज होते हैं और फिर ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं फिज़िकल रिलेशन में भी तब्दील होता है। क्या हम ऐसे इंसान को पागल कहेंगे, साइको कहेंगे? क्या ये एबनॉर्मल पर्सन है? और सबसे बड़ी बात कि ऐसी फंटेसी रखना, ये सोच उनके दिमाग में आता क्यों है? देखिए, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, ऐसा ही सब कुछ हो जाता है। कुछ रीज़न तो डेफिनेटली है, बट हाँ, ज़रूरी नहीं कि हर बंदा रीज़न को डेवलप करके ही ऐसी फैंटेसी रखता हो, पर कुछ पॉसिबल रीज़न है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला रीज़न होता है, वो है उनका बहुत ज़्यादा बॉडी अर्ज। जी हाँ, देखिए, जब लड़का प्यूबर्टी एज क्रॉस करता है या फिर प्यूबर्टी एज में जब वो कदम रखता है ना, तो उसके बॉडी में जो हार्मोनल चेंज होते हैं इतना फास्ट होता है ना कि बहुत सारे लड़के होते हैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। अचानक से उसकी बहन, उसकी मम्मी, उसकी भाभी या फिर कोई भी जो उसके बहुत क्लोज हैं, जिसके साथ इतने दिन तक भाई बहन का रिश्ता था, माँ बेटे का रिश्ता था या फिर कुछ भी और रिश्ता था ना, उस रिश्ते से ऊपर वो सोचने लगते हैं और अपने आप को एक लड़का और सामने वाले को एक लड़की की तरह देखने लगता है। देखिए, जब उसमें ये सोच आती है कि मैं एक लड़का हूँ, मैं जवान हो रहा हूँ, मुझ में ये डिज़ायर आ रही है, और फिज़िकल रिलेशन क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है, वीडियोस देखना, बहुत ज़्यादा पॉपुलर वीडियोस को फॉलोअप करना, यूट्यूब में तो इसके भरमार है, गूगल भी सर्च कर लो, कहीं भी देख लो, बहुत सारे पॉपअप भी अवेलेबल हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए ना
वो उसी क्लोज पर्सन को अपना पार्टनर समझने लगता है, चाहे वो उसकी अपनी बहन क्यों ना हो या फिर अपना कोई रिश्तेदार क्यों ना हो, वो उसे एक लड़की की तरह देखने लगता है जो उसे पसंद करने लगता है, वो उसकी फेवरेट बनती जाती है। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, हम जब भाई बहन बड़े होते हैं एक साथ, जो एक साथ बड़े होते हैं ना, तो हम दोनों में वो चीज़ नहीं होती कि मेरा भाई है। घर में ही ऐसा एटमोसफियर क्रिएट होता है कि हम मस्ती मजाक कर लेते हैं, पर उसके लिए मस्ती हो ना, पर उस बंदे के लिए, फिर वो बंदी के लिए ना ये मस्ती नहीं होता। फिर इस चीज़ को वो दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट कर लेता है, दूसरी सोच में कन्वर्ट कर लेता है। वो टच, वो फीलिंग्स, वो चीज़ें फिर धीरे धीरे डेवलप होने लगती हैं, जो फिर इस फैंटेसी को डेवलप करता है। ये पहला रीज़न हो गया, वो है उसका अपना बॉडी अर्ज। वो अपने बॉडी अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके बॉडी अर्ज इतना ज़्यादा, डिज़ायर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि फिर वो ये समझ ही नहीं पाता कि रिश्ता बीच में आ रहा है, पहला। दूसरा होता है अपने ही फैमिली मेम्बर्स की गलती। अब ये क्या हुआ, ये क्या होता है ना कि चाहे हम ले लो, चाहे हमारे माँ बाप ले लो, नहीं समझते कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, नहीं समझते कि मेरा बेटा 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया। आजकल के बच्चे सब समझते हैं, छोटे बच्चे भी सब समझते हैं, उनको हम ये सीख भी देते हैं कि उन्हें ये समझना चाहिए, हमें वो हम सेक्स एजुकेशन देते हैं अपने बच्चे को, ताकि वो गुड टच बैड टच हर चीज़ के बारे में समझ सके। बट कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं, पता है, अपने ही बच्चों के सामने कपड़े चेंज करना, अपने ही बच्चों के सामने फिज़िकल रिलेशन बनाना। देखिए क्या होता है, आप स्टैंडर्ड फैमिली को देख लो, वो जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो बच्चे को सेपरेट रूम दे देता है। क्यों? क्योंकि किस उम्र से उस बच्चे में समझ आ जाए, माँ बाप नहीं समझ पाते, और उसको ये प्रैक्टिस भी करना चाहिए, तो ये माँ बाप करते हैं। बट बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं ना, जो बच्चे बड़े होने के बावजूद भी वो एक ही बेड पे माँ बाप बच्चे सोते हैं। अब क्या होता है कि माँ बाप फिजिकल रिलेशन अपने बच्चों के सामने ही बनाते हैं। माँ बाप सोच रहा है कि बच्चा सो रहा है, पर बच्चा नहीं सो रहा, बच्चा जगा हुआ है, वो सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख रहा है, समझ रहा है, और वो जो उसके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो रही है, फिर धीरे धीरे वो अपनी ही मम्मी को अपना पार्टनर समझने लगता है कि मेरी मम्मी तो मेरी भी क्लोज है, वो तो मुझसे भी बहुत प्यार करती है, जैसे अपने पापा को प्यार करती है वैसे मुझे भी प्यार करती है, तो पापा के साथ ऐसा रिलेशन है तो मेरे साथ भी ऐसा रिलेशन हो ही सकता है मम्मी की, या फिर अपनी बहन के साथ एक ही बेड पे बेड को शेयर करना। देखिए मैं नहीं कह रही हूँ कि हर भाई बहन ऐसा हो या फिर हर मम्मी पापा ऐसा हो, नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ऐसी फैंटेसी रखते हैं, जो ऐसा सोच रखते हैं, उसके पीछे ये रीज़न हो सकता है। तो आप मेरे हर्ड वर्ड को हर फैमिली मेम्बर के साथ मत जोड़िए। धीरे धीरे वही चीज़ें, फिर वो क्यूरियोसिटी और डेवलप होती जाती है, और वो फिर इस फैंटेसी को भी डेवलप करते हैं। धीरे धीरे ऐसे फैंटेसी डेवलप करता है ना, तो वो इस चीज़ को श्योर करने के लिए, इसको श्योर करने के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे रिलेटेड वीडियोज़ देखना, रिलेटेड वीडियोज़ देखना, लाइक अपनी ही मम्मी के साथ अपने भाई का रिश्ता, अपनी बहन के साथ अपने भाई का रिश्ता, अपनी भाभी के साथ रिश्ता, पता नहीं ऐसे बहुत सारी वीडियोस तो यूट्यूब पे भरमार है वीडियोस की। तो उस वो इस वीडियो को देखते हुए ना इस चीज़ को एश्योर करता है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ये लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ या फिर मैं भी कर सकती हूँ, और फिर धीरे धीरे ये फैंटेसी उसकी और बढ़ने लगती है, और फिर वो ढूंढता है अपनी ही किसी फैमिली मेम्बर्स के बीच में जिसे, जो उसके लिए अवेलेबल हो, जो उसे भी मतलब कि क्लोज करे, वो एक स्पेशल पर्सन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, और लकीली अगर उसे कोई ऐसा पर्सन मिल भी गया जो उसके साथ फिजिकल इंटीमेट होता है, तो फिर उसका ये जो फैंटेसी है ना वो फिर और यानी कि आसमान छू लेता है, फिर रफ्तार पकड़ लेती है। पर क्या हर फैंटेसी, हर सोच सही होता है? क्या हर फैंटेसी को रूप देना सही है? अगर हाँ, तो फिर हम रिश्तों की मर्यादा की बात क्यों करते हैं? हर एक रिश्ते की एक मर्यादा होनी चाहिए, तभी तो हम किसी चीज़ को जायज़ और किसी चीज़ को नाजायज़ कहते हैं। कि ऐसा पर्सन जब इस फैंटेसी को पूरा करता रहता है ना, तो वो इस लेवल तक, एक ऐसा लेवल तक पहुंच जाता है, वो सारी मर्यादा को तोड़ देता है, वो फिर भरोसा भी तोड़ सकता है। देखिए हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अपने ही फैमिली मेम्बर्स पे करते हैं, अपने ही लोगों पे करते हैं, पर अगर हमारे फैमिली मेम्बर्स के बीच ही कोई ऐसा बंदा हो जो ऐसा फैंटेसी रखता हो, फिर दिक्कत हो सकती है। आजकल लोग इंसेस्ट मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं और फिर अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। हो सकता है ये थोड़ा ही उसमें सोच आया हो, पर चारों ओर की सिचुएशन
उससे उसकी इस फैंटेसी को डेवलप करने में मदद करता है। को या फिर उस बंदी को अपने इमोशंस पे जरूर कंट्रोल करना आना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर फैंटेसी को पूरा किया जाए, जरूरी नहीं कि हर फैंटेसी सही हो। कुछ फैंटेसी ऐसा होता है जो एक इंसान को हैवान बनाता है। हो सकता है कि उस बंदे को अपनी किसी ऐसे फैमिली मेंबर्स पे अट्रैक्शन आ गया हो, ऐसे फैमिली मेंबर्स पे वो इम्प्रेस हुआ हो जो उसे उस नज़र से देखता ही नहीं, जो उसका अपना ही भाई हो सकता है, अपना बेटा, अपने पापा, कोई भी हो, जो बिल्कुल सगा है, जो खून का रिश्ता है उन लोगों में, वो ऐसा सोचता ही नहीं। वो तो फिर उस पर इंटरेस्ट ही नहीं लेगा या फिर वो उसे बोल भी नहीं पाएगा और ये जो चीज़ है ना फिर फ्रस्ट्रेशन में बदल जाएगा, फ्रस्ट्रेशन फिर उसके दिमाग में हावी हो जाएगा। तो इसे पनपने से रोकना चाहिए। और हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां कैसी कि जब बच्चा बड़ा होने लगे ना तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा बच्चा हमारे लिए तो बच्चा है पर कुदरत उसे बना बनाता है। उसका शरीर बड़ा होने लगता है, उसमें सोच आने लगती है, फीलिंग्स आने लगती हैं। तो जब आप समझ जाओ कि आपका बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा है उसे सेपरेट कर दो। अपने बच्चों के सामने कपड़े बदलना, अपने बच्चों के सामने कुछ ऐसे हरकतें करना बिल्कुल भी अच्छी चीज़ें नहीं है। फिर ये उसके परवरिश को आप गलत परवरिश दे रहे हो। चाहे आप उनके अपने ही क्यों ना हो, कितने भी अपने क्यों ना हो, कभी भी टच करके कोई भी मजाक हंसी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसी फैंटेसी हो सकता है कि उससे ऐसा काम करवा दे जो उसे खुद भी अपेक्षा नहीं थी। क्योंकि हम इंसान हैं, जानवर नहीं है, तो हमें रिश्तों का लिहाज करना आना चाहिए।